पहले हम मिलाते हैं अपने भाई शशि भाई से। बाय बाय, ओके, मिलेंगे। यहाँ से जो दोस्तों दो रास्ते कट जाते हैं, ऊपर वाला जो लेडीज मतलब जो दुल्हन आएगी ना उसको लेके आएंगे इसमें। लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय गाइस। गजब का सजाया हुआ भाई, गजब का है। पूरी स्टोरी सुनाएगा दोस्तों मेरे को ये कि क्या क्या हुआ है घर पे। चलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे इस YouTube चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों आज का ब्लॉग जो शुरुआत हो रहा है गाड़ी में, और मैं अभी जल्दी जल्दी में जा रहा था मतलब फंक्शन में। जैसे आपको पता ही है लास्ट ब्लॉग आपने देखा होगा, तो आज फिर उसी फंक्शन में जाएंगे। जगह होगी अमनेड, अमनेड से जाएंगे फिर हम हमीरपुर वाली साइड में। चलो वो बात की बात रही, तो आपको सबसे पहले हम मिलाते हैं अपने भाई शशि भाई से। तो अगर कुछ लोग जो है वो काफ़ी टाइम से जुड़े होंगे तो उनको पता होगा मैं और शशि भाई इकट्ठे जॉब करते थे टाटा मोटर में। तो काफ़ी दिनों के बाद मतलब जॉब के बाद आज मुलाकात हो रही है, मतलब 2 या 3 साल बाद ही मुलाकात हो रही है इतने अच्छे से। और भाई को आज काम पड़ गया था, भाई के पास है मतलब कमर्शियल व्हीकल रखा हुआ है, और भाई वैसे बेसिकली है संधोल से। तो यहाँ पे लोकल में आए थे काम करवाने के लिए, कुछ ज़रूरत पड़ गई, भाई ने फ़ोन किया तो हम चले गए, और भाई का थोड़ा बहुत काम है वो हो गया है और वापस आ रहे हैं हम अभी। तो अभी भाई को ड्रॉप करेंगे और फिर जाएंगे फंक्शन में। बाय बाय, ओके, मिलेंगे। तो अपने घर के पास ही ना एक लक्ष्मी करके, लक्ष्मी मोटर्स करके टाटा मोटर कमर्शियल की ब्रांच है, तो अभी वहीं पे आया था मैं शशि भाई को उतारने के लिए, और अभी चलते हैं वापस अपने काम के लिए। तो ऐसा जो है चला रहता है दोस्तों, और ऐसा करना भी चाहिए किसी की हेल्प हो। ऐसा होता है कि चलो भाई आज हमारे घर के पास आए होते, हमें ज़रूरत पड़ गई मतलब उनको ज़रूरत पड़ गई तो हमने हेल्प कर दी, अगर कहीं अब हम संदोल उस साइड चले गए हमें ज़रूरत पड़ जाए तो भाई हमारी हेल्प कर देगा, ऐसा ऐसा ही होता है। और अभी थोड़ा लेट हो गया तो चलते हैं सीधे अपने डेस्टिनेशन की तरफ, क्योंकि 3 बजे का टाइम था वहाँ पर पहुँचने का, लेकिन 3:30 हो गए इसी चक्कर में। और अपने मिंटू भाई अभी पहुँचे हम साई मार्केट में, यहाँ है साई मंदिर और ये साई मार्केट। ये जो दोस्तों यहाँ पे ताल की मार्केट, और इसका डिटेल वीडियो जो है वो ऑलरेडी है मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, लास्ट ब्लॉग ही वहीं का है दोस्तों। तो यहाँ से जो दोस्तों दो रास्ते कट जाते हैं, ऊपर वाला जो महल वगैरह के लिए चला जाएगा मेहर कैरवी, और हमने जाना है इस तरफ से, ये जाएगा अमनेड, और अमनेड से भी एक रास्ता कट जाता है कैरवी के लिए, और एक कट जाएगा लंबड़ू और हमीरपुर के लिए। तो हमें तो फिलहाल जो है अमनेड तक जाना है। तो अपने डेस्टिनेशन के ऊपर हम अभी ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, थोड़ा सा पैदल रास्ता है दोस्तों। गाड़ी जो है रोड पे हमने पार्क कर दी है, और अभी गांव में जाना है अमनेड गांव में, और थोड़ा बहुत काम है, फिर वहां से जाएंगे हम रात को हमीरपुर, हमीरपुर से आगे जनियारी जगह पड़ती है वहां पे। तो अभी चलते हैं पहले तो यहाँ वाले काम को निपटाने के लिए। दोस्तों इसको बोलते हैं पालकी ना, और ये लेडीज़ मतलब जो दुल्हन आएगी ना उसको लेके आएंगे इसमें, और जो दूल्हे के लिए होती है वो ये होती है। तो अभी तो मतलब दूल्हा लेके जाएंगे तो उसके लिए वो तैयार हो चुकी है, और इसको जो कल सुबह जब दुल्हन वापस आएगी ना तो उस टाइम तैयार करेंगे इसको। वाली पालकी जो है दोस्तों वो मतलब जो आप देख रहे होंगे कि लोहे की बन चुकी है मतलब नए ट्रेडिशन में, लेकिन ये पुराने कल्चर में है लकड़ी की। तो दोस्तों जिस फंक्शन में मैं अभी आया था ना वहाँ पे मेरे को छोटा सा बच्चा मिला है, और इसका नाम नाम क्या दे रहा? अक्षित। अक्षित इतना बीज बीज है कि ना तू मिंजड़ हास है, क्या खांदा तू? रोटी। हाँ अल्लाह। दोस्तों मतलब इतना सारे बंदे तू दे तू अभी मतलब बाजे वाले बोले यहाँ ने बाजियाँ बजाई याद आ है मेरे ड्रोन ने मतलब ताल का मतलब इन लुकवाए रखने पा था बैग चक्के ले आ रहा कुछ भी कैमरे वाले ने कैमरे फोटो ले बहुत खींचना है एडा। तो गाइस अब मैं बनाऊंगी इनकी वीडियो, ऐसे बात तो देखते जाओ इस YouTube चैनल को।
लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना प्लीज, मेरे मेरे ख्याल से कर देना, सपोर्ट कर देना भाई। चलो ठीक है दोस्तों, अभी थोड़ा सा मतलब बिजी शेड्यूल है तो बाद में आपको मिलते हैं। और ये मतलब भाई था बार बार घूम रहा मेरे साथ, तो मैं सोचा चलो इसकी वीडियो बनाते हैं। बाय बाय। बाय बाय। अभी जो दोस्तों रात के जो हैं वो बज रहे हैं, आई थिंक 11 बजे का टाइम हो रहा है। और मैंने जैसे आपको बताया था कि हम वहाँ उस लोकेशन से हम नेर से जाएंगे जिनियारी के लिए, हमीरपुर के पास ये जगह पड़ती है। तो वहाँ पे वहाँ मतलब बीच का जो था वो जल्दी जल्दी मैं शूट नहीं कर पाया, मतलब कुछ एक ड्रोन शॉट होंगे तो वो मैं शेयर कर दूँगा। और अभी मैं जा रहा हूँ घर की तरफ से, जो अगर आपको कुछ दिखाई दे भी रहा होगा दोस्तों, तो ये जो मतलब लेफ्ट से गाड़ी आ रही है, ये आ रही है हमीरपुर की साइड से, और हम जा रहे हैं बाईपास होके सीधे अपने घर डेढ़ में टिक्कर के लिए। तो इस बार इस टाइम जो हम बाजार होके नहीं जाएंगे, बस जो हमीरपुर के फेमस पैलेस हैं उनमें से इसका भी नाम आता है। और यहाँ की सजावट थोड़ी बहुत आपको बार बार से दिखाते हैं, गजब का सजाया हुआ भाई, गजब का। मन तो कर रहा है कि यहाँ का एक ड्रोन शॉट निकाल लें, लेकिन अभी चलते हैं यार, लेट हो गए हैं घर के लिए। तो देखो दोस्तों कैसे वेलकम हो रहा है, देखो खिड़की में खड़ा है शिवाय, वेट कर रहा है, मतलब डेली वेट करता है दोस्तों, चाहे मैं मतलब 12 बजे आऊँ कितने बजे भी आऊँगा घर पे। हेलो शिवाय, आ जाऊँ? ओके आ जाओ, दरवाजा खोल दो, जल्दी आओ। अब दरवाजा खोलने गया तो ये कौन आया, देखो देखो देखो, उसको भगाओ, उसको ये जूते खा जाएगी मेरे। क्या कर रहे थे आप? ले ड्रोन लेके चलो अंदर, वहां से पकड़ो, यहाँ से पकड़ो, यहाँ से गेट बंद करके बहू नहीं जाएगा अंदर, वो चला जाता है, छोटा सा है ना वो, चला ही जाएगा। पापा, हाँ जी, रुमाल गीला है, रुमाल गीला है? हाँ, पानी था। पूरी स्टोरी सुनाएगा दोस्तों मेरे को ये कि क्या क्या हुआ है घर पे। चलो चलो चलो, आजा आजा, ये देखो बोतल लाया, पोछा लगाया, पानी फेंका, और मम्मी ने बोला बोतल नहीं लाना, पोछा नहीं लगाना है।